Realme का 12X यार 12,000 रुपए में इंडिया में लॉन्च हुआ। 11,000 रुपए का आफ्टर बैंक डिस्काउंट आप सभी लोगों को पड़ सकता है। अब दिमाग में यार बहुत ज्यादा खटखट हो रही है, क्या इस फोन में कोई भी कमी नहीं है, क्या हमें 12,000 रुपए में ये वाला फोन बाय करना चाहिए। यदि आपके दिमाग में भी यही डाउट है, कृपया करके इस वीडियो में बने रहिए। आज मैं आपको खुल के बताऊंगा इस फोन में आपको क्या कुछ दिया गया है। यदि आप कंफ्यूज हैं Realme 12X वर्सेस Moto G34 5G में, तो भैया मेरे चैनल में ऑलरेडी कंपैरिजन वीडियो आ चुका है। इसी बात में एक लाइक बनता है, चैनल में पहली बार पधारे हैं भाई सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़िएगा। बात को स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर से। जब ये फोन मेरे घर तक आया, सबसे पहले मेरी नजर गई ब्लोटवेयर में। यहाँ पर आपको तनिक से ब्लोटवेयर मिलते हैं, लेकिन अब देखिए ब्लोटवेयर गायब हो चुके हैं। मतलब आप सभी को हटा सकते हैं, चाहे वो हॉट गेम हो, चाहे वो हॉट ऐप हो, या तो Realme की एप्लीकेशन हो, इसे आप डिसेबल कर दीजिए। मतलब आप अपने सॉफ्टवेयर के एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा साफ सुथरा कर पाएंगे। बिल्कुल स्टॉक एंड्रॉइड वाला आपको फील हो सकता है। बस आपके 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट में यदि सफाई हो जाती है तो इससे अच्छी कोई भी बात नहीं है। कुछ ऐसे फीचर है जो इस फोन को खास बना देते हैं, जैसे एयर जेस्चर। ये जो फीचर है ये बहुत ही अलग वाला फीचर है। पुराना वाला मिनी कैप्सूल आपको याद है, वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। डुअल मोड ऑडियो, ये भी यूजफुल वाला फीचर है। मतलब आप ब्लूटूथ वाले बड के साथ साथ वायर वाले हेडफोन को लगा के म्यूजिक का आनंद उठा सकते हैं। ये जो पावर बटन है ना, इसको डायनेमिक कर सकते हैं। मतलब तरह तरह के फीचर इसमें आप ऐड कर पाएंगे। एंड्रॉइड 14 के साथ आया है, ये तो बहुत अच्छी बात है। 2 एंड्रॉइड के वर्जन आपको और मिल जाएंगे। मतलब 15 और 16 3 साल का सिक्योरिटी पैच। मुझे सॉफ्टवेयर को चलाने में कोई भी इशू नहीं हुआ है, बस आपको थोड़ा सा समय तो देना ही पड़ेगा। अभी इस फोन में गूगल का डायलर है, लेकिन आप इसे हटा सकते हैं। आपको डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से ओ डायलर, ये बिल्कुल निशुल्क है, लेकिन सामने वाले को जरा सा नहीं पता चलेगा आप उसकी कॉल को रिकॉर्ड करते हैं। हाइब्रिड सिम स्लॉट है, मतलब 2 5G वाले सिम कार्ड आप डाल सकते हैं, नहीं तो 1 सिम कार्ड को हटाइए, 1 मेमोरी कार्ड को ठूसिए, 4G प्लस का सपोर्ट मिल जाता है। बहुत सारे 5G वाले बैंड हैं। कॉल वॉल करते समय भी आपको कोई भी इशू नहीं होने वाला है। जो हैप्टिक फीडबैक है, ये भी आपको 12,000 रुपए के हिसाब से अच्छा लगेगा। बैटरी बिंदास यार, आपका एक दिन चल जाएगी। 6 घंटे प्लस का आप स्क्रीन ऑन टाइम पकड़ के चलिए। बॉक्स के अंदर जो चार्जर है वो है 45 वॉट का। मतलब 11-12 हजार रुपए में आपको मस्त वाला चार्जर मिल रहा है, और चार्ज करने में 65 से लेकर 70 मिनट के आसपास आपको लग सकते हैं। परफॉर्मेंस के लिए जो प्रोसेसर दिया गया है वो है मीडियाटेक का डिमेंसिटी 6100 प्लस। ये जो प्रोसेसर है पहले रियलमी वाले फोन में आ चुका है। शाओमी का याद है रेडमी 13C, वहां पर भी यही वाला प्रोसेसर है। सैमसंग ने भी यार इस प्रोसेसर को अभी अपने फोन में दिया है। मतलब बहुत बार ये प्रोसेसर घिस चुका है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, बहुत ही हाई फाई वाले गेम खेलना चाहते हैं तब तो भैया आपको अपना बजट बढ़ाना पड़ेगा, और जब आप बजट बढ़ाएंगे आपको और भी तगड़ा वाला प्रोसेसर मिलेगा। लेकिन जिस प्राइस ब्रैकेट में ये फोन इंडिया में लॉन्च हुआ है उसके हिसाब से परफॉर्मेंस में कोई भी इशू नहीं है। बेंचमार्क स्कोर आपके सामने है, कोई भी टोटल इशू भी आपको देखने को नहीं मिलता है, और मेरे फोन में कोई भी मेजर हीटिंग इशू नहीं है। जिनको BGMI खेलना है आप यार अल्ट्रा सेटिंग में जाके BGMI का आनंद उठा सकते हैं। UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप भी प्रदान किया गया है। मेरे हिसाब से जितने भी आपके दिन भर के काम है ना, चाहे वो नॉर्मल वाले हो या तो नॉर्मल से आगे वाले हो, ये भी आराम से ये फोन हैंडल कर लेगा। कुल मिला के जितना रुपया खर्च कर रहे हैं उसके आधार पे परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन की। 11,000 रुपए में फुल HD प्लस वाला डिस्प्ले मिल जाता है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। साइड वाले बेजल्स का आपको एहसास नहीं होगा, लेकिन नीचे वाली जो चिन्ह है किसी किसी को थोड़ी सी बड़ी लग सकती है। आउटडोर की जो ब्राइटनेस है इसमें भी कोई इशू नहीं है। जो पीक ब्राइटनेस है वो है 950 निट्स की। यदि आपको HDR वाली चीजें देखनी है तब तो भाई आप नहीं देख सकते। YouTube पे जो सेटिंग मिलती है वो है 1440 तक। Netflix में भी HDR प्ले नहीं कर पाएंगे। वाइड वन L1 का तो सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले जो कलर निकाल के दे रही है ये भी ठीक है। आगे की तरफ पहले से एक पॉलीथीन लगी हुई है, कृपया करके टेम्पर ग्लास पक्का लगवा लीजिएगा, क्योंकि गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन नहीं मिलती है। बैक कवर बॉक्स के अंदर मिलता है, हो सकता है समय के साथ साथ पुराना हो जाए। यदि आपका काम चल जाता है सफेद वाले बैक कवर से तब तो भैया इसको आप पक्का यूज करिएगा। पीछे की तरफ मैट वाला फिनिश है, देखने में काफी सुंदर भी लग रहा है। आपके हाथ की उंगलियां ज्यादा नहीं छपेगी। कैमरे का जो मॉड्यूल है
ये भी थोड़ा सा अलग आपको लग सकता है। कृपया करके बैक कवर पक्का लगवा लीजिएगा, क्योंकि कैमरा बम्प तनिक सा बाहर है, लेकिन बहुत ज्यादा बाहर नहीं है। बॉक्सी वाला डिजाइन है और जो साइड है ये भी प्लास्टिक वाले हैं। मेरे हिसाब से बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के मामले में 11,000 रुपए में Realme का 12X 5G बहुत ही शानदार है। हेडफोन वाला जैक भी गायब नहीं किया गया है और आपको डबल स्पीकर मिलते हैं, एक ऊपर है एक नीचे है। आवाज भी बहुत ज्यादा लाउड मैं कह सकता हूं, मतलब यार अब तो मार्केट में 10-11 हजार रुपए में डबल स्पीकर वाले फोन आ चुके हैं। 10,000 रुपए में मोटो का G34 5G मिलता है, जहां पर डॉल्बी एटमॉस वाला भी आपको फीचर मिलता है। मेरे हिसाब से धीरे धीरे करके ब्रांड बदल रहे हैं और 2024 में बहुत सारे मार्केट में ऐसे फोन आए हैं जिन्होंने गदर काट दिया है। क्या अच्छे प्राइस में आ रहे हैं, क्या मेरी बात से सहमत है? मुझे ऐसा लग रहा है 2023 से ज्यादा अच्छा वाला साल हो सकता है 2024। अब बात करते हैं कैमरे की। पीछे की तरफ देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे 4 कैमरा है, लेकिन जो चौखट है ना, इसको आप 2 ही मान के चलिए। देखिए, आपको कोई भी अल्ट्रा वाइड वाला सेंसर देखने को नहीं मिलता है। बैग में 50+2 मेगापिक्सल वाला ही सेंसर चिपकाया गया है। आगे की तरफ जो सेल्फी कैमरा है ये 8 मेगापिक्सल का। सेल्फी कैमरे वाली फोटो को मैं नॉर्मल कह सकता हूँ, कोई भी 4K वाले वीडियो आप नहीं रिकॉर्ड कर पाएंगे, ना तो आगे से और ना ही पीछे से। वीडियो क्वालिटी को मैं डिसेंट कर सकता हूँ, कोई भी OIS का सपोर्ट नहीं है। अब मैं आपको यार रियर कैमरे वाली फोटो दिखाता हूँ और नॉर्मल मोड में 2X वाली फोटो आप क्लिक कर पाएंगे Realme के 12X से। देखिए, जब भी आप इधर उधर वाली फोटो लेंगे तब तो कलर आपको काफी अच्छे दिख रहे होंगे। कलर को बहुत ज्यादा पॉपअप नहीं किया गया है और बहुत ज्यादा यार कलर बूस्ट भी नहीं कर रहा है। जो सेचुरेशन लेवल है ये भी सही है। चाहे आप फूल पत्ती की फोटो ले या घूमते टहलते फोटो क्लिक करते जाए, ये फोटो आपको कमाल की लगेगी। जब आप यार ह्यूमन ऑब्जेक्ट की फोटो लेंगे भैया, ये आपको गोरा बना देता है। यदि आपको गोरा होना है तो भाई आपके पास है Realme का 12X। क्लोज टू नेचुरल वाली फोटो मैं नहीं कह सकता हूं। पोर्ट्रेट में एजेस शार्प है, लेकिन और ज्यादा शार्प हो सकते हैं। इस फोन के कैमरे को मैं बैलेंस कह सकता हूं, डायनेमिक रेंज में कोई भी इश्यू नहीं है। कुल मिला के Realme 12X का जो कैमरा है ये आपको अच्छी वाली फोटो दे देगा। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट आपको प्रदान किया गया है, जो आपके फोन को फटाफट अनलॉक कर देता है। और फोन का जो वजन है ये है 188 ग्राम, मतलब बहुत भारी फोन नहीं है, हैंडी वाला मैं कह सकता हूँ। Realme के 12X को IP54 की रेटिंग मिलती है, लेकिन आपको अपने फोन को डुबकी नहीं लगवाना है, सुरक्षित फोन को यूज करिए। अब मुद्दे की बात करते हैं, क्या आपको बाय करना चाहिए Realme का 12X 5G। देखिए, 11,000 रुपए के हिसाब से फोन में बहुत बड़ी वाली कोई भी कमी नहीं है। डिस्प्ले कमाल का, बैक डिजाइन नया वाला फील कराएगा, बैटरी में कोई इशू नहीं है, 45 वाट का जो चार्जर है ये भी बहुत ही जल्दी से आपके फोन को चार्ज कर देता है। एंड्रॉइड 14 के साथ आया है, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी अपने फोन को साफ करने के लिए। कोई भी अल्ट्रा वाइड वाला सेंसर नहीं मिल रहा है। मेरे हिसाब से अच्छा वाला विकल्प है Realme का 12X। यदि आपका बजट 10-11 हजार रुपए है तो आप इस फोन की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पर क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, अब आपके सामने। क्या कहते हैं Realme वालों ने जिस प्राइस ब्रैकेट में इस फोन को लॉन्च किया है, क्या वो शानदार है? आपके दिमाग में अभी भी कोई डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, दिमाग को ज्यादा मत खपाइए, नीचे कमेंट करिए। कोशिश करूंगा आपके हर एक कमेंट को रिप्लाई करने की। जाते यही कहूंगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चमचमाते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।